नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के श्योपुर में जिला चिकित्सालय में चल रही है दलाली। श्योपुर जिले में हिरनीखेड़ा में रात 9 बजे सुशीला आदिवासी पत्नी घासीलाल आदिवासी के पेट दर्द हुआ और उन्होंने जननी एक्सप्रेस को कॉल करके बुलाया। तब तक जननी पहुंची, प्रसूता अपने बच्चे को जन्म दे चुकी थी। उसके बाद गाड़ी पहुंची तो गाड़ी में बैठकर प्रसूता और उसके परिवार जन अस्पताल के लिए रवाना हो गए, क्योंकि महिला के पेट में एक बच्चा और था। जैसे ही एम्बुलेंस गांव से हॉस्पिटल की ओर चली, करीब हॉस्पिटल से 3 किलोमीटर की दूरी पर ड्राइवर द्वारा गाड़ी को रोक दिया गया और घासी आदिवासी जो प्रसूता का पति है उससे ड्राइवर द्वारा 1,000 रुपए की मांग की जाती है और 1,000 रुपए देने के बाद ही गाड़ी को आगे ले जाने की धमकी दी गई। मजबूरी बस आदिवासी परिवार द्वारा पैसे दिए जाते हैं। इसी प्रकार ब्लड के नाम पर इन्हीं महोदय जो एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं उनके द्वारा 1,000 रुपए और लिए गए। श्योपुर अस्पताल में ब्लड के नाम पर वसूली एम्बुलेंस ड्राइवर द्वारा की जा रही है अवैध वसूली। गरीब लोगों को फ्री सेवा के नाम पर लूटा जा रहा है। कुछ समय पहले भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था। श्योपुर संवाददाता मनोज कश्यप की रिपोर्ट। रात लगाई मैंने उसका बाइल लगाया था, वो भाई साहब बरदेश में। आपसे जो है एम्बुलेंस ड्राइवर है उसने पैसे कहाँ पर मांगे थे? क्या गांव में मांगे? गांव में नहीं मांगे सर, गेला में रोकर गेला में लिए थे। अच्छा, रास्ते में गाड़ी रोक दी थी उसने? हाँ। उसके बाद आप पैसे मांगे? हाँ। फिर यहाँ पर आकर कितने बजे छोड़ा आपको? यहाँ पर आके मैं भीतर गया, भीतर जाता ही वो मैडम ने बोला कि भाई इसके तो ब्लेड भी चाहेगी के मिलको से। हाँ, मेरे को ब्लड की क्या व्यवस्था करा भाई? कि उसने बोला कि तो उसकी तो व्यवस्था हो जाएगी क्या? मेरे को क्या होएगी तो हो जाएगी, फिर थोड़ा पैसा वैसा चाहिए। फिर उसने तो मैं कितना लेगा तो कि 1,000 चाहिएगा। ब्लड के लिए मांगे 1,000? हाँ। दे दिया आपने? दिया ही है। फिर मेरे का जिसको दिया आपने उसका नाम नहीं जानता, वो एम्बुलेंस हड़ाया ना वही था वो ड्राइवर। रास्ते में लिए। चलो ठीक, क्या नाम है आपका? नाम क्या है? घासीलाल। क्या नाम? घासीलाल। घासीलाल, ठीक। हाँ, अभी मेरे पास में एक रात्रि में एक पेशेंट जो सुशीला नाम है उसको डिलीवरी के लिए लाया गया था, तो उसके पति ने अभी मेरे सम्मुख एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें उसने ये आरोप लगाया है कि एम्बुलेंस का जो ड्राइवर जो ग्राम हिरनीखेड़ा से अस्पताल में रात में लेके आया था इनको, उसने रास्ते में रोककर उससे एम्बुलेंस को रोककर कहा कि मुझे 1,000 रुपये दो तब गाड़ी आगे ले जाऊँगा। जब इसने 1,000 रुपये दिए तब वो गाड़ी को आगे बढ़ाया। फिर अस्पताल में पहुँचने पर उसने कहा कि तुम्हें ब्लड की आवश्यकता होगी तो मैं ब्लड आपको दिलवाऊंगा, और 1,000 रुपये उसने ब्लड के नाम पर उसको ले लिए। मैंने इसमें अभी जो जानकारी प्राप्त की है उसमें अस्पताल के किसी कर्मचारी द्वारा जो है पैसे नहीं लिए गए हैं, और डॉक्टर्स ने अनुशंसा की थी और उस सिस्टर से कि इसको निःशुल्क ब्लड दिया जाए, ठीक है ना। लेकिन जो ड्राइवर ने जो पैसे लिए हैं एम्बुलेंस कर्मी ने 2,000 रुपये इस पर को महिला को लाने के नाम पर और ब्लड के नाम पर, तो ये अत्यंत ही गंभीर मामला है, और मैंने जो इस आवेदन को मुख्य चिकित्सा अधिकारी की तरफ भेज के कार्रवाई करने के लिए लिखा है, और इस शिकायत पर उचित कार्रवाई की जाएगी।